गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूला याद करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक, प्लस सी। अब प्लस सी क्यों दिया जाता है ये सब आपको पिछले वीडियो में बताया गया है ना, उसको आप देख सकते हैं। अब इस पर है कि x के पावर थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n का क्या है, जो पावर n है उसी में n प्लस वन बाई एन प्लस वन कर देते हैं, तो यहाँ पावर थ्री ना है तो क्या करेंगे, x के पावर थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन, बिल्कुल इसी के तरह। तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, x के पावर फोर बाई फोर प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन, अगर x के पावर सेवन का इंटीग्रेशन हो, ठीक, तो n के जगह क्या है सेवन, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर सेवन प्लस वन बाई सेवन प्लस वन, तो सेवन प्लस वन क्या हो जाएगा एट, नीचे भी एट प्लस सी। अगर एक्स टू द पावर माइनस फाइव रहे तो एन के जगह माइनस फाइव ना है, एन का फॉर्मूला आप देख रहे हैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। उसी तरीका से अगर एक्स के पावर माइनस फाइव है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस फाइव प्लस वन बाई माइनस फाइव प्लस वन प्लस सी, तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव प्लस वन, कितना माइनस फोर बाई माइनस फोर प्लस सी। अगर एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर है तो एन के जगह थ्री बाई फोर है तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर प्लस वन बाई थ्री बाई फोर प्लस वन प्लस सी। और थ्री बाई फोर प्लस वन को सोल्व कीजिएगा तो सेवन बाई फोर, नीचे भी सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर को ऊपर ले जाइएगा तो फोर बाई सेवन हो जाएगा, इस तरीके से, क्लियर। अगर इसका इंटीग्रेशन हो कि वन बाई एक्स क्यूब, तो नीचे पावर थ्री है, इस पावर थ्री को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस थ्री हो जाएगा ना, एन के जगह माइनस थ्री हो गया, तो एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन बाई माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू बाई माइनस टू। अब माइनस टू जो पावर उसको नीचे लिख सकते हैं, नीचे तो माइनस टू है, एक्स के पावर माइनस टू नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही आंसर। समझ में आ रहा हो, अगर थोड़ा कम समझ में आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब डिफ्रेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो वन बाई टू रूट एक्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स है, तो वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा टू रूट एक्स हो जाएगा ना, तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट कि वन बाई अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स प्लस सी, ठीक। कैसे होता है उसको देखिए, देखिए रूट एक्स मीन्स पावर वन बाई टू, तो नीचे ना अंडर रूट एक्स है तो नीचे में पावर वन बाई टू होगा, यही वन बाई टू पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब ये एक्स के पावर एन हो गया ना, तो एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा वन बाई टू, और नीचे हो जाएगा वन बाई टू, ये टू जाकर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू रूट एक्स हो गया ना, एक्स के पावर वन बाई टू मीन्स अंडर रूट एक्स, तो टू रूट एक्स प्लस सी, तो वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स प्लस सी, कैसे होता है उसको अब बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो अंडर रूट एक्स, एक्स मीन्स एक्स के पावर कितना वन बाई टू, तो वन बाई टू है तो वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू ऊपर जा करके टू बाई थ्री हो जाएगा, ठीक। इस सबको बनाना भी है, लिखना भी है, वीडियो पॉज कर करके आप उतार भी लीजिएगा और समझिएगा भी, ठीक। अब देखिए 2x प्लस थ्री का इंटीग्रेशन, ठीक, डायरेक्ट करना है, तो मान लीजिए कि पूरा यह x है, पावर कितना है वन है, कुछ नहीं तो पावर वन है, तो एक यहाँ पावर वन ना है, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 2x प्लस थ्री टू द पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, देख रहे हैं पावर वन है ना यहाँ पर, तो पावर में वन प्लस वन बाई वन प्लस वन जो है वही, यहाँ 2x प्लस थ्री है तो 2x प्लस थ्री, अब पावर वन ना है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, ठीक। अब ध्यान दीजिए x का कोफिशियंट क्या है टू, तो क्या करेंगे टू से डिवाइड, इंटीग्रेशन में x के कोफिशियंट से डिवाइड किया जाता है, क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में x के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई किया जाता था। देखिए कैसे समझा दे रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 2x, फिर इंटू टू क्यों करते थे, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन फिर 2 होता था चेन रूल से, चेन रूल देखिएगा, एक वीडियो मैंने चेन रूल समझाया है, e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 2x, फिर 2x का 2। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए ध्यान देते हैं हम लोग कि डिफ्रेंशिएशन में x का जो कोफिशियंट होता है ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे देखिए e के पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर 7x इंटू 7, क्यों, x का कोफिशियंट 7, तो डिफ्रेंशिएशन में x का कोफिशियंट से मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में x के कोफिशियंट से डिवाइड होता है। अब देखिए 2x प्लस थ्री डी एक्स है,
तो 2x+3 के पावर 1 है ना, तो 1+1/1+1 एक्स का कोफिशियंट 2 है तो 2 से डिवाइड, तो ये 1+1 2 × 2 कितना हो गया नीचे 4, और यहाँ 1+1 स्क्वायर हो गया, यही आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, 5x-7 के पावर 3 है dx, तो यहाँ पावर 3 है, तो पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3+1/3+1, तो 3+1 4/4, और एक्स का कोफिशियंट 5 है तो 5 से डिवाइड, मतलब ये मानना है कि यह एक्स के पावर 3 है, क्या है एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3+1/3+1, तो 3+1 मतलब का कि 4/4, यही ना एक्स, एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ है। अब देखिए एक्स का कोफिशियंट 5 है तो 5 से डिवाइड, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7-3x⁵5 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको मान लीजिए कि यह एक्स है अंदर में तो पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5+1/5+1, तो 6/6 हो जाएगा ना, और एक्स का कोफिशियंट क्या है -3 है तो -3 से डिवाइड, तो -18 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, ऐसा तभी किया जाता है जब तक ये लीनियर रहेगा, लीनियर मीन्स एक्स का पावर 1 रहेगा, जैसे ही अगर एक्स के पावर 2 हो एक्स के पावर 3 हो तो फिर ऐसे नहीं बनेगा, उसको अलग अलग करके बनाया जाएगा, जो कि आगे बताएंगे हम आपको। अब देखिए 5-3x का अंडर रूट एक्स है, तो अभी बताए थे कि अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2, ठीक, तो पावर 1/2 है ना इसके ऊपर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2+1/1/2+1, और एक्स का कोफिशियंट -3 है तो -3 से डिवाइड, फिर इसको सोल्व करके यहाँ लिख दिया गया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए 1/2-6x⁻³ है, नीचे ना पावर 3 है, यही इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा पावर में, अब एक्स के पावर एन जैसा हो गया ना, तो एक्स के पावर एन का x⁻⁶ तो -3+1 तो -2, और -3+1 -2, अब एक्स का कोफिशियंट क्या है -6 तो -6 से डिवाइड। क्लियर, एलजेब्रिक आपने समझ लिया, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल देखेंगे। ध्यान दीजिए a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, जानते हैं आप लोग a⁻ln है। ठीक, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, a⁻ का इंटीग्रेशन तो a⁻ln है, जस्ट जो रहे a⁻ का इंटीग्रेशन तो ऊपर में a⁻ रहेगा, यहाँ log है से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टी डिफरेंशिएशन में देखो log है से मल्टीप्लाई हो रहा था, और इंटीग्रेशन में क्या होगा log है से डिवाइड हो गया प्लस सी। अब देखिए e⁻ यह भी तो एक्सपोनेंशियल है, a⁻ का e⁻ln है, e⁻ का e⁻ln e। अब देखिए log e का वैल्यू 1 होता है, तो नीचे log e लिखें चाहे नहीं लिखें कोई असर नहीं पड़ता है, तो हम लोग याद रखते हैं कि e⁻ का इंटीग्रेशन e⁻ होता है। क्लियर है, ठीक, अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बताए थे कि e⁻ का इंटीग्रेशन e⁻ होता है, अब e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x/2, क्यों, क्योंकि x का कोफिशियंट 2 है तो 2 से डिवाइड। फिर देखिए e⁻²x का इंटीग्रेशन तो e⁻²x, x का कोफिशियंट क्या है 7, तो 7 कर दिए, समझ में आ रहा है। देखिए e⁻²x का इंटीग्रेशन तो e⁻²x का e⁻-4x, और डिवाइड किससे करेंगे -4 से, क्यों, कोफिशियंट ऑफ x से डिवाइड, समझ में आ रहा है। देखिए ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि a⁻ का इंटीग्रेशन होता है a⁻ln a प्लस सी, ठीक, ये फॉर्मूला देखे थे, अब इसका प्रैक्टिस a⁻ का इंटीग्रेशन a⁻ln है, अब 3⁻ का इंटीग्रेशन तो 3⁻ln 3, 7⁻ का इंटीग्रेशन तो 7⁻ln 7, ठीक, फिर देखिए a⁻³x का इंटीग्रेशन तो a⁻³x/ln है, अब ध्यान दीजिए x का कोफिशियंट 3 है तो 3 से डिवाइड, तो 3 log हो जाएगा। 9⁴x का इंटीग्रेशन तो 9⁴x/ln 9, अब x का कोफिशियंट 4 है तो 4 से डिवाइड। दोस्तों अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि समय लिमिट में ही आपको बताना रहता है। ठीक है, एक और देखिए कि हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल का कि a⁻ को हम लोग लिख सकते हैं e⁻ln a, ए है ना तो log a हो जाएगा, a⁻ है तो इसको लिख सकते हैं e⁻ln a, 2⁻ को क्या लिख सकते हैं e⁻ln 2, 5⁻ को e⁻ln 5, सब एक ही चीज़ है, आपको लॉगरिथमिक को थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन हो a⁻ इंटू e⁻ तो अभी बताया कि a⁻ को हम लोग लिख सकते हैं e⁻ln है, देखिए a⁻ को लिख दिए e⁻ln a इंटू e⁻ हम ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, क्योंकि बेस सेम ना है, बेस क्या है e, तो ये पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा,
तो एक्स लॉग ए प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ दोनों में है तो क्या बचेगा, लॉग ए प्लस वन। क्लियर, यहाँ डी एक्स भी देना है, यहाँ डी एक्स इंटीग्रेशन है तो तक डी एक्स लिखना है। ठीक, अब देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग ए प्लस वन का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग ए प्लस वन। अब एक्स का कोफिशियंट क्या है, लॉग ए प्लस वन है तो डिवाइड हो जाएगा लॉग ए प्लस वन प्लस सी। समझ में आ गया। अब e टू द पावर लॉग एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना, तो ध्यान दीजिएगा लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ e है, यहाँ भी लॉग बेस कुछ नहीं है तो e है, तो दोनों e सेम है ना, तो ये दोनों सेम रहने पर ये पूरा हट जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ x। तो e टू द पावर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये e और ये e सेम है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। फिर देखिए e टू द पावर x लॉग फाइव, तो देखिए x इंटू ना है तो लॉग में इंटू रहता तो पावर हो जाता, जानते हैं ना आप लोग, तो यह एक्स क्या हो जाएगा फाइव के पावर हो जाएगा, फाइव के पावर एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ ई है, यहाँ बेस भी ई है, तो ये पूरा हट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, सिर्फ फाइव के पावर एक्स, यही ना बचेगा। अब फाइव के पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो फाइव पावर एक्स बाई लॉग फाइव। फिर देखिए ई टू द पावर टू लॉग एक्स है, ठीक, तो यहाँ टू इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा ना, तो ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिफरें इंटीग्रेशन में देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब देखिए साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो साइन थ्री एक्स का साइन का कॉस होता है तो साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, तो डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, जैसे साइन फाइव एक्स प्लस सेवन को डिफरेंशिएट करना है तो साइन का होता है कॉस, तो साइन फाइव एक्स प्लस सेवन का कॉस फाइव एक्स प्लस सेवन। ठीक, आ एक्स का कोफिशियंट फाइव है तो इंटू फाइव हो गया। ठीक है, कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थ्री एक्स और बाई थ्री, क्यों, एक्स का कोफिशियंट। साइन टू एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टू एक्स प्लस थ्री बाई टू। इसी तरह से साइन थ्री माइनस फाइव एक्स का तो माइनस कॉस थ्री माइनस फाइव एक्स बाई माइनस फाइव एक्स का माइनस फाइव 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 माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, कॉसेक कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स और वन माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दोनों होता है जो मन सो लिखिए, वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स और माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का तो लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग टैन एक्स बाई टू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।